और आज गाड़ी देके भेजेंगे इंशाल्लाह। चलो पक्का। थैंक यू थैंक यू। और जो इसकी खास बात है ना पता है, वो है माहिर की पसंदीदा 3 रो सीटिंग है इसमें, ठीक है। और माहिर क्या कह रहे हैं आप जल्दी से बताइए। इस वाले में बैठना है। ओके अभी बिठाते हैं आपको। मानी मजा आ रहा है आपको फिर? और आज बाकायदा गाड़ी की डिलीवरी है। स्पोर्टेज की अनबॉक्सिंग, और अनबॉक्सिंग से मुराद ये है कि इस पे जितनी भी रैपिंग हुई भी ये सारे मैं अपने हाथों से उतारने वाली हूँ। और ऑफ कोर्स मेरी कार है, मेरा सरप्राइज गिफ्ट था, तो आज मैंने सोचा कि अनबॉक्सिंग ही कर लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम अपनी कार जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गई है, तो अनबॉक्सिंग भी करते हैं फिर साथ में। सबसे पहले मैं हटाने वाली हूँ किया, ऑफ कोर्स जो उसपे हर रैपिंग हुई थी मैं उतारूंगी।
अब बारी आ गई है पीछे की रैपिंग उतारने की, क्योंकि मैं पीछे आ चुकी हूँ, तो जल्दी जल्दी से पीछे की भी रैपिंग उतार दें। वैसे मुझे चलानी नहीं आती, हाँ नो है थोड़ी बहुत, बट डर लगते ना, ऑफकोर्स आपकी न्यू कार। मैं बहुत जल्द मैं ड्राइविंग व्लॉग बनाने वाली हूँ, मैं खुद ड्राइव करके कार लेके जाऊंगी और अकेली मैं मजाक कर रही हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। भाई और मैं जाएंगे और इसका एक ड्राइविंग व्लॉग बनाएंगे, थोड़ा सा यू नो बाहर घूमेंगे फिरेंगे और एक बहुत अच्छा डे आउट विद भाई बना लेंगे, या डे आउट विद मम्मा या डे आउट विद बाबा। वैसे आप लोगों को लग रहा होगा कि इतनी हवाओं की आवाज आ रही है, जैसे मैं सी व्यू पे शायद अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। हमें बहुत गर्मी लगती है और बाहर भी बहुत गर्मी है, तो उसकी वजह से हमने एसी इतना तेज कर लिया, भाई ने इतना तेज कर लिया कि उसमें पीछे से आवाजें आ गई। तो उसे इग्नोर कीजिएगा और हमारी अनबॉक्सिंग को एंजॉय कीजिएगा, लाइक करेगा, कॉमेंट करेगा, शेयर करेगा और बहुत सारा प्यार बरसाएगा, और कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।